शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काव्या, आप ही बताइए ना कि एक मरी हुई बीवी अपने पति की तेर भी कैसे कर सकती है? तो बदतमीजी कर रही है और ऊपर से जबान लड़ा रही है। शुक्र मनाइए कि मैं सिर्फ जबान ही लड़ा रही हूँ, वरना 51% की मालकिन होने के नाते मैं आपको इस घर से बाहर भी निकाल सकूँ। एक विधवा रंगीन कपड़ों में, मैं यहाँ क्षण भी नहीं रुक सकता। अब करण की तेरवी कौन करेगा? हमारे पोते के तेरवी के संस्कार हम खुद करेंगे। वैसे आज सच बताऊं तो ड्रामा देखकर बड़ा मजा है। और जितनी आप छुई मुई दिखती हैं, उतनी आप है नहीं। कब, कहां, क्या, कैसे बोलना, इसका आइडिया है आप? शायद तुम्हें ये आइडिया नहीं है कि मेरी जिस मजबूरी का तुम फायदा उठा रहे हो वो मेरा मेरे पति के लिए प्यार है, जिंदगी भर रहेगी। कमाल है यार, मैंने आपकी जुबान की तारीफ क्या कर दी, आपने तो जुबान मेरे साथ ही चलाना शुरू कर दिया। चलो, जब आप इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर ही रही हैं, तो खाना भी खा लीजिए, खाइए, साथ में बैठते हैं, शर्माइए मत। कम ऑन, क्या ये भी डील का हिस्सा है? बस क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारे साथ लंच करना ये भी डील के तहत कोई प्लान है? नहीं नहीं, इतना बुरा इंसान भी नहीं हूं, बस कर्टसी के नाते पूछ लिया। तो तुम अपनी कर्टसी और अपना लंच दोनों अपने पास ही रखो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? डील के तहत तो बहुत सारे टास्क बाकी है आपके, आप जानना नहीं चाहती है कि आपका अगला टास्क क्या है? सना, क्या है ये? आयुष, आई नो पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ है, करण सर की डेथ, काव्या का विधवा होना, ओम अंकल को हार्ट अटैक आना, और इन सब चीजों को तुमने बहुत करीब से देखा है, बहुत कुछ सहा है तुमने, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे पापा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। उनके तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, आई एम सो सॉरी। और वैसे भी मैंने भी तुम्हें बहुत डिसअपॉइंट किया है, तुमने मुझ पे भरोसा किया, उमांगल का ध्यान रखने को बोला था हॉस्पिटल में, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी। वो बात नहीं है सना, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड नहीं हूं। तो क्या बात है आयु? सना, मैं रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सुनिए, आपने जो फ्रूट्स मेरे लिए काटे थे ना, जाइए जाकर लेकर आइए, जाइए। लगता है हमारे आंखों के सामने ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना तो हम इस हवेली को बचा पाएंगे, ना ही पुरखों के संस्कार को। अम्मा जी, ऐसा मत कहिए अम्मा जी, आपके रहते सब ठीक हो जाएगा, आप सब संभाल लेंगी।
पर संभालने के लिए आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है अम्मा जी। इसीलिए अम्मा जी प्लीज गुस्सा थूक कर कुछ खा लीजिए। अरे डरने का वक्त नहीं है, बुढ़िया को शीशे में उतारने का वक्त है। लीजिए अम्मा जी कुछ तो खा लीजिए। नहीं, काव्या की हरकतों की सजा आप खुद को क्यों दे रहे हैं अम्मा जी? काव्या ने जो नीच हरकत की है उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। करण का हम सबका साथ छोड़ते ही कैसे तेवर बदल गए ना काव्या की, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती अम्मा जी। काव्या में इतना दम नहीं है, ये सब कुछ वो शैतान कुणाल के कहने पर कर रही है। अरे कुणाल कुछ भी कहेगा और काव्या कर देगी। हमारे करण के प्रति, इस हवेली के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। आज काव्या ने जो नीच हरकत की है उससे एक बात तो साफ हो जाती है अम्मा जी कि वो पैसों की और पावर की भूखी है। देखिए ना, पहले तो हमारे करण को अपने प्यार के जाल में फंसाया, उससे शादी रचा ली, और अब जब करण नहीं रहा तो फिर उसने मेरे भोले बेटे को रिझाने की कोशिश की। वो तो टाइम पर मैंने इसको बचा लिया, वरना तो और देखिए ना अम्मा जी, अब वो उन्हीं पैसों के लिए कुणाल के साथ में मिल गई है। कुणाल कहां से कबाब में हड्डी बनने आ गया? तो अव्यस सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गाना बहुत अमेजिंग था, आपने मिस कर दिया। मेरे बोलने का गुस्सा आपको खाने पर नहीं निकालना चाहिए था। अगला टास्क क्या है? अगला टास्क एकदम आसान है। मैंने पूछा अगला टास्क क्या है? करण से प्यार करती थी ना? नहीं, करती थी नहीं, करती हूं और मरते दम तक करती रहूंगी। कहते हैं कि 13वीं पर लोगों की हर वो चीज की जाती है जो उनकी पसंद की होती है, उनकी याद में की जाती है, लेकिन आपको कुछ अलग करना है। आपका अगला टास्क ये है कि 13वीं से पहले आपको करण की सारी यादें इस हवेली से खुद अपने हाथों से मिटानी होगी। हर कोने में पड़ी उसकी तस्वीर, उसके कपड़े, हर वो चीज जो उससे जुड़ी है, उसे आपको इस हवेली से बाहर फेंकना होगा। करण का नामो निशान इस हवेली से मिटाना होगा।
ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। अगर आप ना कह रही समझिए कि डील कैंसिल और इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइए। तस्वीरें और कपड़े निकालने से क्या होगा मिस्टर कुणाल गायत्री सिंह? मेरे दिल में जो उनके लिए प्यार है, जो उनकी यादें जुड़ी हैं, उन्हें कैसे निकाल पाऊं? वाह 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 वाह, कमाल का जबरदस्त डायलॉग है। लगता है आप रोमांटिक फिल्मों की फैन है। और मैं थ्रिलर मूवीज का फैन। पता है क्यों? क्योंकि थ्रिलर मूवीज में ट्विस्ट होते हैं, रोमांच होता है, आगे क्या होने वाला ये सस्पेंस बना रहता है। इसलिए आपके टास्क में ट्विस्ट ऐड करना। आपने सोचा होगा कि जो दीवार पर करण की तस्वीर लगी है उससे पहले आप निकालेंगे ना? लेकिन नहीं, मजा तो तब आएगा जब इस हार चढ़ी तस्वीर को आप बाहर फेंकें। नहीं मेरी ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। सवाल तो मैंने यूं ही पूछा था, करोगी तो तुम वही ना जो मैं कहूंगा, वरना अपनी डील कैंसिल और हवेली को तुम भूल जाओ। अरे आपकी तेरवी भी नहीं हूं, ये सब करण की तेरवी के पूजा के बारे में तो पंडित जी से बात हो नहीं पाई। तुम उन्हें कॉल करके बुला लो। पर अम्मा जी, पंडित जी तो काव्या की वजह से यहाँ से बहुत गुस्से में गए हैं, अब पता नहीं वो जो बोला है वो करो। उन्हें कहिए कि हमने बुलाया है, वो जरूर आएंगे। जैसा अम्मा कह रही वैसा करो ना, क्या जाता है? तुम ईशिका और रॉकी के साथ मिलकर पूजा की सारी तैयारी करो। जिन लोगों को बुलाना है उनकी एक लिस्ट तैयार करो। पूजा के सामग्री के बारे में पंडित जी से फिर से एक बार पूछताछ करो।
कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जी अम्मा जी। अब जाओ यहाँ से। अम्मा, अगर कुछ खा लेती तो। हाँ अम्मा जी, कुछ खा लीजिए, वरना तो आपकी तबीयत। कहाँ ना तुम दोनों को, जाओ यहाँ से। मेरे बच्चे, आपकी आत्मा की शांति के लिए तेरवी की पूजा जरूर होगी। आपकी ये दादी माँ अभी जिंदा है। क्यों चले गया? क्यों? पर इस हवेली को बचाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो मैं आपकी मदद कर दूं। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। ओ, ये रोमांटिक फिल्मों वाला एंगल तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, अब इस फोटो के साथ एक मिनट बिता सकते हैं, लेकिन एक मिनट का मतलब सिर्फ एक मिनट। And your time starts now. फोटो तो सिर्फ एक बाहरी निशानी है, करण तो मेरे दिल में रहते हैं, मेरी आत्मा में है, मेरे मन में है, हमेशा हमेशा के लिए। और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल पाएगा। जितना पूछा सिर्फ उतना जवाब। ये कुणाल गायत्री सिंह की डिटेल्स निकालने में इतना समय क्यों लग रहा है तुम लोगों? अरे आसमान से तो नहीं टपका ना वो? देखो, इस काम की मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं मैं तुमको। जो करना है जल्दी करो,
कुणाल मुझसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा अपने घर पे. राइट. Wow, not bad. ये काव्या प्रताप सिंह तो मैंने जितना सोचा था उससे बेटर कर रही है. That's good. काव्या की जिंदगी से करण की तो एग्जिट हो गई, अगर मेरी एंट्री कब होगी? कब से तड़प रहा हूं इसे अपने बाहों में लेने के लिए. ये बुझा हुआ चिराग इतना घूर रहा है, क्या फितूर है इसके दिमाग में. अब कोई जरूर बड़ा ड्रामा होगा. चलो देखते हैं. कैसे हुई हमारे पोते पर हाथ उठाने की? मुझसे जवाब मांगने से पहले अपने पोते से कहिए कि अपनी हद में रहे. तो तुम तय करोगी हमारे बेटे की हद? अगर आप लोगों ने हद तय की होती, उसे अच्छे संस्कार दिए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आप लोगों को. मुझे बेचारी या अबला समझने की गलती भी मत करना. काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग.